बाद में कालिंदी ने कहा, कालिंदी की बात मुझे तो बहुत दिव्य जची। कालिंदी ने जो अपनी बात रखी है, उन्होंने कहा कि जब उनको पता चला कि मैं उनकी प्राप्ति के लिए नाम भी नहीं ले रही, उनको जब पता चला कि मैं उनकी प्राप्ति के लिए साधना कर रही हूं स्वपाद संस्पर्श नाशाय, उनकी प्राप्ति के लिए जब आराधना कर रही थी तो हमारे पास में आए और आकर के हमको स्वीकार किया। सख्यो पेताद ग्रहित पाणिम, हमारा हाथ पकड़ के स्वीकारा, किंतु मेरी से यदि बात पूछती हो तो यो अहम तद गृह मार्जनाद मार्जनी, हम तो गदगद हो गए इस बात को सुन करके। वो कहती मैं तो उनके घर की झाड़ू लगाने वाली हूं। मैं आज विचार करने लगा, ये शब्द केवल इनमें से जितनी भगवान की पटरानियां हैं सबने, किसी ने चरण रति मानी, किसी ने अपने को चरण की दासी माना, किसी ने चरण चिंतन में लगने की प्रार्थना की, किंतु कालिंदी मैया ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम तो पूरे घर के झाड़ू लगाने वाली हैं, उनके घर को साफ करने वाली हैं। मुझे लगा कि घर को पहले कैसे साफ करने वाली पूरी बनी। आज मैं बैठकर चिंतन कर रहा था, विचार करने लगा सब विषय पर, तब ध्यान में आया कि कालिंदी अघमासनी, कालिंदी जो है अघ का नाश करने वाली है, और भगवान का घर कहां है? ध्यान रखना, भगवान का घर कोई एक स्थान पर नहीं है। गीता में है कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में अर्जुन परमात्मा रहते हैं। ध्यान रखना, हृदय ही जीव मात्र का, हृदय ही परमात्मा का घर है, और उस हृदय में झाड़ू लगाने का काम कौन करता है? पाप ही गंदगी है, और उस पाप को समाप्त करने का कोई काम करती है तो यमुना महारानी करती है। इसलिए हमारे यहां आपको बताएं, पुष्टि मार्ग में यमुना मैया की बहुत महिमा है, यमुना महारानी की बड़ी महिमा है पुष्टि मार्ग में। यमुना के कारण क्या है? यही तो अग्नाश करने वाली है, यही तो घर को साफ करने वाली है, और यदि साफ सुथरा घर रहेगा तो गृहपति को उसमें आने का मन होगा।